हेलो फ्रेंड्स, आपका एमके क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं नेकलाइन को फिनिशिंग कैसे करते हैं वो सिखाना, फिर हम टिकन का सेम एज इट इज ही जितना गला हमने वहाँ पे रखा ना कुर्ता पे उतना ही रख लेंगे। ये सारा जैसे मैंने इसके अंदर वाला एरिया जो है उसको 6 इंचेस लिया था वो रख के 1/2 इंचेस के अलाउंसेस लिए हैं मैंने बाहर भी और अंदर भी। और इसको हम कटिंग कर लेंगे ये एक्स्ट्रा कपड़े को। ये देखो हमने ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है, इसको फ्यूजन रख के प्रेस करके कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया और कटिंग कर दिया 1/2 इंचेस की अलाउंसेस रख के। अब हम स्टिचिंग इस साइड से करेंगे, कुर्ते पे इस साइड से स्टिचिंग करेंगे तो फिर ऐसे रख के करेंगे, फिर अंदर जाके ऐसे हो जाएगा फोल्ड और फिर ये बाहर वाले कपड़े को अंदर फोल्ड करके हेमिंग कर देंगे। ये देखो हम इस नेक पे इसको रख के सीम लगाएंगे। अब ये ऐसे रख कर यहाँ पे सीम लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसको इसके साथ स्टिच कर दिया है, ये देखो सीम लगा दी है। अब हम इसको अंदर करके यहाँ पे नोचिस लगाएंगे, कट लगाएंगे नाइफ के साथ ताकि ये कपड़ा अंदर को मुड़ सके। यहाँ पे नोचिस लगा के इसको अंदर फोल्ड करेंगे हम और फिर इस चीज़ को अंदर फोल्ड करके ऐसे हेमिंग कर देंगे, ऐसे हेमिंग कर देंगे, फिर वो हमारे गले की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने टिकन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ये देखो नोचिस लगाकर कॉर्नर पे टिकन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हेमिंग कर देंगे इसके ऊपर, ऐसे ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना जो हमने अलाउंसेस रखे थे उसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हेमिंग कर देंगे और ऐसे हमारे नेकलाइन की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए नेकलाइन फिनिशिंग हो गई। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी अपडेट करूं और आपको इजीली मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप और कोई भी नेकलाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बना के बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप।